तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। यहाँ पर दोस्तों रेलवे मिनिस्ट्रियल परीक्षा 2020 17 दिसंबर 2020 का द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। मैथ रीजनिंग जीएस के सारे प्रश्न आ चुके हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी के छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हमारे पास हैं और आप लोग देख लीजिए क्योंकि यही पैटर्न पर आधारित आप सभी का पेपर भी आएगा। चलिए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहे चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होता है उसको प्रेस करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसी पर जैसा कि आप लोग जानते हैं रेलवे ग्रुप डी 2018 जो पेपर था सारे पेपर के पैटर्न जो थे वो लगभग सेम थे। तो इसलिए दोस्तों रेलवे मिनिस्ट्रियल एग्जाम का एनालिसिस आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो सकता है क्योंकि इसी पैटर्न पर आधारित आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेट किए जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे रेलवे मिनिस्ट्रियल परीक्षा 17 दिसंबर 2020 द्वितीय पाली के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे और अभी तक की जितने भी हमने साइंस के क्वेश्चन पिक किए हैं, सबसे पहली बात साइंस के सारे क्वेश्चन पिक किए गए हैं रेलवे मिनिस्ट्रियल एग्जाम 2020 के। अभी तक जैसा कि आप लोग जानते हैं 15 दिसंबर को हुआ है और आज भी हुआ है, तो हम सारे क्वेश्चन हमने पिक करके यहाँ पे ले आए हैं। और 17 दिसंबर 2020 को जो पेपर होने वाला है वो भी दोस्तों आप सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आप सभी बताया। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन था कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जो पहला क्वेश्चन था वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण कहते हैं, इसको हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था प्राकृतिक गैस में मुक्तता रहता है, तो प्राकृतिक जो गैस होती है उसमें मुक्तता मीथेन रहता है। अगला जो क्वेश्चन है एलपीजी कौन गैस होती है, एलपीजी कौन सी गैस होती है, तो आपको बता दें एलपीजी में सबसे ज़्यादा होती है वो ब्यूटेन होती है, यानी कि राइट आंसर आपका ब्यूटेन था। किस एक का ईंधन मान सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों आपको बता दें हाइड्रोजन का ईंधन मान सबसे अधिक होता है। अगला जो क्वेश्चन निम्न कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है, कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो आपको बता दें हाइड्रोजन जो होता है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। कोयले की किस्म में कार्बन की जो प्रतिशतता होती है सबसे ज़्यादा होती है, आपको कल भी बताया गया था एंथ्रासाइट आंसर सबसे ज़्यादा है, सही है एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशतता होती है, सबसे ज़्यादा कार्बन जो उपस्थित होता है वो एंथ्रासाइट में होता है। अगला जो क्वेश्चन है भूरा कोयला को किस नाम से जानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका लिग्नाइट था, लिग्नाइट आपका राइट आंसर था। भूरा कोयला को हम लोग लिग्नाइट नाम से जानते हैं। किस ईंधन में अस्फोटिक गुण आप स्फोटिक रोग रोधी गुण दर्शाता है, तो ऑक्टेन संख्या होती है आपका इसका राइट आंसर। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो मोजले इसका राइट आंसर था, मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था, तो परमाणु द्रव्यमान इसका राइट आंसर था, परमाणु द्रव्यमान आधार था जिसकी मदद से उन्होंने एक आवर्त सारणी की रचना की थी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार आपका परमाणु संख्या था, कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चनों को अपने तरफ से भी मिलाया इसमें। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओस्मियम है, ये आपके पूछा गया था, लेकिन हमने एक और क्वेश्चन तैयार किया सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आपका लिथियम है, क्योंकि अब ये अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो ये क्वेश्चन अब आगे की शिफ्टों में नहीं आएगा, लेकिन इसी के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम होती है, सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन होता है, और इसके जो मौलिक गुण हैं वो आपके परमाणु संख्या है। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, तो इसका लैटिन नाम जो होता है वो आपका नेट्रियम होता है, नेट्रियम आपका सोडियम का लैटिन नाम होता है। सिल्वर का लैटिन नाम क्या, अर्जेंटम सिल्वर का लैटिन नाम है। सोना का लैटिन नाम ओरम है। अगला जो क्वेश्चन है वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो वैद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है वो एनोड पर होता है, एनोड पर वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। वैद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है ये दूसरा होता है आपका ऑक्सीकरण, एक अपकरण अवकरण, तो कैथोड पर आपका अवकरण होता है। अगला जो क्वेश्चन है जस्तीकृत लोहा की बाहरी सतह पर किसकी पतली सतह तय चढ़ी रहती है, तो जस्ता की चढ़ी रहती है। अगला जो क्वेश्चन है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो आपको बता दें भाषा के आधार पर राज्यों जो पुनर्गठन था वो 1992 ईस्वी में किया गया था। बिना बुझे चूने का जो नाम है वो क्या है, तो आपको बता दें कैल्शियम ऑक्साइड आपका बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम है। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है, तो भारत में जो रेपो दर निर्धारित करता है वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक आपका भारत में रेपो दर निर्धारित करता है। किसका प्रयोग पौधों में
पौधों में खाद्यान्न या भंडार यानी कि स्टार्च तैयार करने में किया जाता है। तो आप बता दें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है इसका जो यूज किया जाता है वो पौधों में खाद्यान्न का भंडार यानी कि स्टार्च तैयार करने में किया जाता है। राइट आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन था। दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल तक पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपको बता दें एमंडसेन। एमंडसेन जो थे वो आपके दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला जो क्वेश्चन था, अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडारण कहाँ पर है? तो आपको बताते हैं सऊदी अरब में अभी तक की ज्ञात सबसे बड़ा तेल भंडारण जो है आपका सऊदी अरब में। राइट आंसर आपका सऊदी अरब था। आपको बता दें महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जय संहिता आपका महाभारत का प्रारंभिक नाम था, जय संहिता। अगला जो क्वेश्चन है, एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के उत्तरदायी कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका था सर सैयद अहमद खान। अगला जो क्वेश्चन था, कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। नेमसेक पुस्तक की रचयिता कौन है? नेमसेक पुस्तक की रचयिता आपकी झुंपा लहड़ी जी। जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उस पर संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोड़ो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो 92वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था तब शामिल की गई थी दोनों भाषाएँ, बोड़ो और डोंगरी। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, किसके द्वारा सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था? तो अरस्तु के द्वारा इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था अरस्तु के द्वारा। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में लाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं जो साफ रक्त होता है वो कौन सी रक्त वाहिकाएं? तो इसका जो राइट आंसर था आपका फुसफुस शिरा इसका राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका MIPS है। कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए MIPS यूनिट का यूज़ किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में चाय की सर्वाधिक पैदावार होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका भारत है। भारत में चाय की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। अगला जो है, काला ज्वार का संचार किस से होता है? काला ज्वार यानी कि आपका काला ज्वार का संचार किससे होता है? तो आपको बता दें एक मक्खी होती है सिकता मक्खी, इससे आपका काला ज्वार का संचार होता है। अगर कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है तो वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तो हवाई जहाज कहाँ होगा? तो हवाई जहाज बैग से आगे होगा, सभी को पता होना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है वो आपका ग्रीन पीस है। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का कथन है? तो आपको बता दें रैखिक समय का। मांसपेशियों में किस प्रकार के अम्ल को एकत्रित होने से यहाँ पे थकावट महसूस होती? तो आपका लैक्टिक अम्ल यहाँ पे राइट आंसर था। मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल उपस्थित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तब आपका यहाँ पे थकावट महसूस होने लगता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्गेनोलॉजी आपका कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका। दांत मुक्त किस रूप से बने होते हैं, किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत जो होते हैं वो आपके डेंटाइन के दांत जो हैं वो बने होते हैं, डेंटाइन पदार्थ के बने होते हैं दांत। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? राइट आंसर आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम की जो शेप होती है यानी कि आकृति होती है वो आपके पैर की चप्पल के समान होती है। केंचुए की कितनी आँख होती है? तो उसकी एक भी आँख नहीं होती। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो आपको बता दें गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अगर आप विटामिन ए चाहिए तो आपको गाजर खानी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर आपका विटामिन ए था। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में नहीं पाया जाता। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है कितने ग्राम का होता है? राइट आंसर आपका 1350 ग्राम का मनुष्य के दिमाग का भार होता है यानी कि मस्तिष्क का भार।